विश्व भर में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 32 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। 2 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत में दूसरे देशों की तुलना में स्थिति अभी इतनी भयानक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा समय रहते ही उचित कदम उठाए गए थे। कोरोना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं, जिनके जवाब वह एक ऐसे माध्यम से जानना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में माहिर हो। लोगों के प्रश्नों के जवाब लेने के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के सेक्टर 7 में स्थित लाइफ केयर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गगन कौशल से बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर गगन ने उन सभी प्रश्नों का बखूबी से जवाब भी दिया, साथ ही साथ इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर गगन कौशल ने, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। मैं तरुण मदान और अब इस समय समाचार एक्सप्रेस से। इस समय आज पूरे विश्व भर में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल है। लाखों लोग यह संक्रमित हैं, हजारों की जानें जा चुकी हैं, भारत में भी अपने पैर पसार चुके हैं। हालांकि बाकी देशों की स्थिति की तुलना की जाए तो भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन इस कोरोना को लेकर कुछ लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के क्या जवाब होंगे, उसके लिए हमारे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 7 स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गगन कौशल जी। सर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कोरोना है, इसके लिए बुनियादी तौर पर कैसी सावधानियाँ हमें लेनी चाहिए? देखो तरुण जी, सावधानियाँ मेरे ख्याल से तो आज हर व्यक्ति भली भांति से परिचित होगा, तो उसके लिए तो सबसे पहले सावधानी तो सोशल डिस्टेंसिंग। आपके लिए भी मैं सबसे पहले तो सावधानी ये होनी चाहिए कि जितने लोग मेरे मीडिया वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये सही नहीं है। आप लोगों को चाहिए एक सावधानी जो मैं अपने मीडिया वाले भाइयों के लिए बताना चाहूँगा। आप लोग कृपया करके अगर वो हम जो यूज़ करते हैं सेल्फी स्टिक, उसके ऊपर अगर अपना माइक लगा लें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने देखा होगा कि मुंबई में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को कोरोना पीड़ित पाए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे लोग जब जाके आप इंटरव्यू लेते हैं आपको नहीं पता कौन कोरोना पीड़ित हो सकता है, तो आपकी सेफ्टी भी उतनी अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम 6 फुट बताया गया है, 2 मीटर, तो 2 मीटर बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 मीटर नहीं तो कम से कम 3 फुट तो ज़रूर रखिए। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी, और आज की डेट में मास्क, जैसे आपने लगा रखा है, हमने लगा रखा है, इन्होंने लगा रखा है, मास्क डालना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है बहुत सारे लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कुछ लोग चुनियाँ लपेट रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं है, इतनी पतली सी उसके अंदर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हैंड हाइजीन यानी अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहें, क्योंकि ये वायरस जो फैलता है, हमारे हाथ कहीं टच करते हैं जहाँ पे वायरस पड़ा हो, तो उससे अगर हम अपने हाथ फेस को छू लेते हैं तो ये वायरस हमारे आँखों से, हमारे नाक से, हमारे मुँह के अंदर से ये प्रवेश कर सकता है हमारे शरीर के अंदर, या हमारे सामने कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, उसके ज़रिए हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है खास इन चीज़ों का, कि हम दूसरे व्यक्तियों से दूरी बना के रखें, और हम अपने हाथों को बार बार धोते रहें कम से कम 20 सेकेंड के लिए। यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं अच्छी तरह से हाथ धोने की विधि, उसकी भी एक प्रॉपर विधि है, ताकि सिर्फ हाथ धोने नहीं है, उसको अच्छी तरह से धोना है, आगे से, पीछे से, हर एंगल से, ताकि कोई कोना हाथ का ना छूटे, कहीं पे भी वायरस रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे हमारे भाई सैनिटाइज़र के पीछे पड़े हैं, सैनिटाइज़र से कहीं अच्छा है कि अगर अपने हाथ जो हैं आप उससे सिर्फ साबुन से धो लें, किसी भी साबुन से चलेगा, साबुन कहीं ज़्यादा बेहतर है सैनिटाइज़र से। सर, क्या कोरोना किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चाहे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक। अभी अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में बहुत छोटे छोटे नवजात बच्चों की भी मृत्यु हो चुकी है, 1 साल से कम बच्चों की भी हाल ही में न्यूज़ में था, बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, लेकिन हुए हैं, ये अफसोस की बात है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है, इसको लापरवाही से बिल्कुल नहीं लेना है। दो, ज़्यादातर इसके अंदर जो बुज़ुर्ग हमारे हैं उनको खतरा अधिक है, लेकिन इसलिए बच्चों के प्रति भी लापरवाही बिल्कुल नहीं हमें बरतनी है। सर, कार्डियक और डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली जो 60 साल के ऊपर हैं, जैसे जैसे इसमें उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका खतरा और अधिक है मृत्यु होने का।
तो इसलिए जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो है ही है, साथ ही जिनके भी को मॉर्बिड कंडीशंस इसको हम कहते हैं, जिनके अंदर की शुगर है जैसे कि डायबिटीज, बीपी है, हार्ट के मरीज़ हैं, दमे के हैं, सीओपीडी नाम की बीमारी है, उन सब के लिए खतरा ज़्यादा अधिक है। इसलिए उनको सावधानी, यही सावधानी है जो एक नॉर्मल व्यक्ति को बरतनी है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो घर से ना ही निकले तो बेहतर है। और उनके घर वालों को भी और सावधानी बरतनी है कि अगर वो उनके घर वाले भी बाहर जा रहे हैं तो बाहर से वो बीमारी को घर में लेके आ सकते हैं, तो घर में भी थोड़ा उनको दूरी बना के रखनी है। होता क्या है कि घर में बुजुर्ग तो बाहर शायद नहीं जा रहे, लेकिन उनके घर के दूसरे मेंबर घर से बाहर जा रहे हैं और वो घर में बीमारी ला के अपने बुजुर्ग को दे सकते हैं। तो उनको भी चाहिए कि घर में अगर कोई शुगर का मरीज है जो कि अधेड़ उम्र का है तो उनसे भी घर में दूरी बना के रखें और प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल रखना है। अगर आप उनको खाना परोस रहे हैं या उनकी कोई सेवा कर रहे हैं तो आपने पूरा हाइजीन का ध्यान बिल्कुल रखना है, क्योंकि आप नहीं तो आप खुद कैरियर हो सकते हैं। हो सकता है यंग लड़का है 20-25 साल का, उसको कोरोना हो भी जाए तो उसको पता भी नहीं लगेगा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिसको कहते हैं, उसको बीमारी हो जाती है, उसको पता भी नहीं लगता और बीमारी ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो अपने बड़ी उम्र के बंदे को दे सकता है। सर, क्या ये मांसाहारी भोजन से भी होता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं पाया गया है। ये ज़रूर एनिमल से आया है, लेकिन अगर आप अपने भोजन को अच्छी तरह से पकाते हैं, पकाने के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे वायरस ख़त्म हो जाएगा अगर उस मांस के अंदर भी है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये चिकन से या किसी और चीज़ से होता है। कच्चा कोई भी भोजन होगा तो उससे हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको पका के खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो सर, आने वाले दिनों में स्थिति कैसी हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, ये कोई भी नहीं जानता है, आज तक वर्ल्ड में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा रहा है। हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है, बाकी आने वाला समय बताएगा। इस बारे में कह पाना कि ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हमें एक न्यू नॉर्मल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा अभी तक कहीं पे भी किसी भी कंट्री में लॉकडाउन नहीं खुला है, चाइना में भी 3 महीने से ऊपर हो चुका है, इंडिया में भी लॉकडाउन कभी भी, देखो धीरे धीरे सरकार उसको रिलीज़ करेगी, करना पड़ेगा, क्योंकि इकनॉमी की जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी उसके लिए देखना पड़ेगा, इकनॉमी के हिसाब से भी, तो वो खोलेगी ज़रूर, लेकिन हमें भी उसके हिसाब से सरकार के साथ चलना पड़ेगा और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी और एक न्यू नॉर्मल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन के अंदर ढालना पड़ेगा, ये मास्क को अपनाना पड़ेगा और इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि ये जब तक कि एक इसकी वैक्सीन नहीं मिल जाती, जिसके लिए कई महीने या साल कम से कम लग सकता है, या जब तक कि एक इसके लिए दवाई की खोज नहीं हो जाती, तब तक के लिए इस चीज़ के लिए हमें तैयार रखना पड़ेगा। ये थे डॉक्टर गगन कौशल हमारे साथ, जिन्होंने हमारे प्रश्नों का सही से बढ़िया से और हमें जानकारी दी। इन्होंने हमें यह भी बताया कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं मार्केट में या बाज़ारों में, उनसे दूर रहें। इन्होंने ये बताया कि जो 2 मीटर की दूरी है वो मूल मंत्र इसका उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग इसका उपाय है, मास्क को अपने जीवन में अपनाना होगा, हाथों को बार बार 20 सेकंड के लिए लगातार बार बार धोएं और अच्छी तरह से धोएं, हर एंगल से धोएं। इन्होंने यह भी हमें जानकारी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये मैंडेटरी है, अगर हम इसको अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम स्वस्थ रह सकेंगे, क्योंकि कौन कोरोना कैरियर है किसी का कुछ नहीं पता। इन्होंने यह भी जानकारी दी कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो डायबिटिक और कार्डियक है वो कम से कम ही घरों से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो सरकार ने लॉकडाउन दिया है, लॉकडाउन की पालना के लिए हमें बार बार कहा जा रहा है, वो हमारे सेहत के लिए कहा जा रहा है। मैं तरुण उदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी का, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.